उस वीडियो हम बात करेंगे वाइब्रेट के VIB कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.0718 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप वापस से इसके प्राइस में देखने को मिला, जहां पर कल से अभी तक ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा का मूवमेंट देखने को मिला है और एक अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ है। प्रीवियस 4 डे एगो हमने इस कॉइन में 4th November को एंट्री पॉइंट शेयर किए थे, वहाँ पर अगर आपने बाई किया होगा तो आपके टारगेट हिट हुए हैं और आपके पोर्टफोलियो में अभी भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। अभी इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, कहाँ तक प्राइस जा सकती है, किन लेवल्स पर आपको एग्जिट होना है अगर आपने एग्जिट नहीं किया है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 0.078 से ऊपर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। 6.3 वाले लेवल से इस कॉइन ने 8.4 वाला लेवल हिट किया। हमने आपको प्रीवियसली 4th November को इस कॉइन में एंट्री शेयर की थी 0.063 के अराउंड में, वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। उस लेवल पर आपको एंट्री शेयर की थी और वहां से इस कॉइन के जो टारगेट बताए थे 0.075 फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट था 0.080 वाला लेवल। इन दो लेवल्स पर आपको एग्जिट होना था। अभी इस कॉइन ने अगर देखें तो मूव किया, अच्छा ब्रेकआउट लिया और आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों टारगेट 3 दिन के अंदर हिट किए। 0.075 को हिट किया और 0.080 को भी हिट किया, 8.4 तक प्राइस गई। शॉर्ट टर्म में हमने 0.090 वाला टारगेट बताया था, जहां तक अभी ये कॉइन चला जाएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब मिनिमम 15-20 डेज आपको होल्ड करना रहता है, उससे पहले पहले भी जा सकता है। इससे पहले की अगर हम बात करें, डेली का चार्ट ओपन करें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर इस कॉइन में पिछले 3 बार ब्रेकआउट हो चुका है। प्रीवियसली अगर बात करें तो इस कॉइन में 17 अक्टूबर को एक अच्छा ब्रेकआउट था, जहां पर 0.04748 वाले लेवल से इसमें ब्रेकआउट हुआ, जहां प्राइस जो है वो 0.11 से ऊपर तक चली गई थी। वहां पर हमने आपको 18 को वीडियो शेयर किया था, जब ये कॉइन यहां मूव कर रहा था हमने आपको एग्जिट पॉइंट बताए थे कि ये कॉइन यहां से अच्छा खासा ड्रॉप लेगा और आपको 0.090 और थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी जिसमें 0.094 तक आपको एग्जिट हो जाना है। दोनों लेवल्स तक प्राइस वापस मूव किया और आपने एग्जिट किया। उसके बाद इस कॉइन में बड़ा डंप देखने को मिला, जहां पर प्राइस जो 0.051 से नीचे तक आ गई थी, यहां 48 तक प्राइस आ गई थी। हमने आपको 21st को यानी 18 को इसमें ब्रेकआउट हुआ, 18 को हमने वीडियो शेयर किया जहाँ पर आपको प्रॉपर लेवल पर, सेफ लेवल पर एग्जिट करवाया। डंप देखने को मिला, 50 से नीचे प्राइस आ गई। हमने 21st को इस कॉइन में 0.057 पर ये ट्रेड कर रहा था, आपको एंट्री हमने शेयर की 0.050 वाले लेवल पर, यानी कि इसमें और ड्रॉप के चांसेस थे, हमने आपको 50 वाला सेफ लेवल बताया था। इस कॉइन ने 50 से नीचे लो बनाया, यहाँ अगर देखें तो ये वाला जो लो है 0.0485 वाला लो बनाया था इस कॉइन ने और आपने अच्छे खासे लेवल पर इस कॉइन में एंट्री ली। वहाँ से हमने क्विक टारगेट 0.062-68 बताए थे, शॉर्ट टर्म में 74 यहाँ ब्रेकआउट लिया। रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, यहाँ पर अगर बात करें तो 31st October के अराउंड में, यानी कि 8-10 डेज बाद ब्रेकआउट हुआ, आपके टारगेट हिट हुए, वहाँ प्रॉफिट जनरेट किया। 2 बार प्रॉफिट होगा आपका सिर्फ 10 डेज में, अच्छा खासा 40-50% से ज़्यादा का। फिर इस कॉइन में अभी रिसेंटली डंप देखने को मिला, प्राइस जो वो 0.06162 के अराउंड स्टेबल थी, हमने आपको 0.063 पर रिसेंटली 63 के अराउंड में एंट्री शेयर की थी, 635-63 के अराउंड में, और वहाँ से हमने टारगेट बताया था 0.07580 जिसको इसने हिट किया। यानी पिछले 20-25 डेज के अंदर हमने इस कॉइन में 3 बार अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, जहां पर हम इतने बहुत ज़्यादा वीडियो, यानी कि सभी कॉइन्स के वीडियो शेयर नहीं कर पाते लेकिन कुछ कॉइन्स के ही वीडियो शेयर कर पाते हैं, वहां से इस टाइप का आपको प्रॉफिट हम जनरेट करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो रेगुलर अच्छे कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर बात करें 0.078 पर ट्रेड कर रहा है। डेली के अंदर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 0.067 वाला इस कॉइन के लिए यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, जिसको ऑलमोस्ट इस कॉइन ने मेंटेन किया था। 6.766 वाले लेवल को वहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला। 8.0 रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से
प्रीवियसली भी इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है, और दो तीन बार जब भी ब्रेकआउट लिया डेली क्लोजिंग हमें 80 से नीचे ही देखने को मिली है। तो अभी भी 80 वाला लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन यहाँ से एक कॉइन मूव करेगा और ऊपर वाले जो लेवल्स है 90 से लेकर 95 तक वापस स्ट्राइक करेगा। तो आपका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट 90 उसको एज इट इज़ आप रखें। जो अभी भी एग्जिट नहीं हुए हैं, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्विक एग्जिट करना चाहते थे, वो 0.084 और 0.088 तक एग्जिट कर लें, क्योंकि इसमें वापस पर ड्रॉप होगा। डेली के अंदर अगर बात करिए 0.080 वाले लेवल से ऊपर डेली क्लोजिंग कर लेता है अभी, तो हो सकता है कि इसमें उतना डंप देखने को नहीं मिले, यानी कि 0.065 या 62 तक वापस प्राइस नहीं जाए। नहीं करता है तो फिर वापस 0.07 से नीचे आपको प्राइस देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर जो लेवल मैंने आपको बताए हैं उन पर आपको एग्जिट हो जाना। वीकली के अंदर अगर बात करें तो वीकली के अंदर इस कॉइन को 0.075 वाला एज इट इज़ रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको इसने प्रीवियस 3 बार ट्राई किया है लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ, और वीकली क्लोजिंग भी उससे नीचे ही देखने को मिली है। और 0.055 वाला सपोर्ट एरिया जिसको इस कॉइन ने पिछले 3 वीक से मेंटेन किया हुआ है। तो 55 और 75 के बीच में ही ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर तो जा रही है लेकिन वीकली क्लोजिंग 75 से ऊपर नहीं हो रही। अगर ये कॉइन वीकली में 0.075 से ऊपर क्लोज कर लेता है, अब प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हो गई है, अभी 4-5 दिन बाद वीकली क्लोजिंग होनी है, इतने में कितनी फ्लक्चुएशन हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो वीकली क्लोजिंग अगर 75 से ऊपर कर लेता है तो फिर नेक्स्ट जो प्रीवियस टारगेट इसने 1011 वाले लेवल हिट किए थे वहाँ तक वापस इस कॉइन के जाने के चांसेस बन जाते हैं, वो लेवल जो है वो क्लियर हो जाता 1011 वाला लेवल। और इस कॉइन में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिन्होंने इस कॉइन को प्रीवियस टाइम में जब ब्रेकआउट हुआ था 9095 वाला 85 वाला, तब इस कॉइन को ऊपर वाले लेवल पर बाई कर लिया था जल्दीबाजी में। तो किसी का 75 पर बाइंग थी, किसी की 80 पर बाइंग थी। तो जहाँ भी आपकी बाइंग है, भले 75 पर हो, 80 पर हो या 90 पर हो, जो भी आपकी बाइंग प्राइस है वहाँ पर आपको सेल लिमिट लगा करके रिकवर हो जाना, पहले रिकवरी पर फोकस करना। क्योंकि आप अगर प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे, प्राइस ने मूव लिया, आपका लेवल हिट किया, थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर रिजेक्ट हो गया वहाँ से, फिर डंप हो गया, तो आप रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्टली जिस भी लेवल पर आपकी बाइंग है, अगर 7072 की बाइंग है तो 80 पर एग्जिट हो जाना है, और 80 से ऊपर की बाइंग है, 80 से नीचे की बाइंग है तो अभी 80 तक एग्जिट हो जाना है, और 80 से ऊपर की बाइंग है तो जो भी आपकी बाइंग प्राइस है वहाँ से लिमिट लगा कर रखें। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।